श्रावस्ती जनपद में आज विश्व रक्तदान दिवस शिविर आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संयुक्त जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक, एसएसबी कैंप और पुलिस लाइन में भी रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, एसएसबी व पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया। साथ ही स्वयंसेवी संस्थाओं से जुड़े लोगों ने भी रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं संयुक्त जिला चिकित्सालय में सीएमओ डॉक्टर एपी सिंह और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ध्रुव कुमार मिश्रा ने भी रक्तदान किया। इस दौरान सीएमओ ने लोगों से बढ़ चढ़कर रक्तदान करने की अपील भी की है। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से किसी को कमजोरी नहीं आती है, रक्तदान एक महादान है। रक्तदान करने से दूसरों की जान बच सकती है। साल में 3 बार रक्तदान जरूर करना चाहिए। आज विश्व रक्तदाता दिवस है और आज के अवसर पे हम सभी लोग, हम तीनों चिकित्सकों ने यहाँ पे रक्तदान किया है। अपील सिर्फ ये करनी है कि हमारे रक्तदान करने से, जो कि वैसे भी 120 दिन के बाद बेकार हो जाता है, पूरा का पूरा खून नया बनता है, नया आरबीसी बनता है, किसी की जान बचा सकता है। हमारा 1 यूनिट दिया हुआ खून किसी की जान बचा सकता है। और रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती है, बल्कि फायदा यह है कि आपके बोन मैरो और एक्टिवेट होते हैं और हीमोग्लोबिन और अच्छा आपका बनता है। तो साल में 3 बार तक रक्तदान बिना किसी साइड इफेक्ट के शरीर को फायदा पहुंचाने वाले कार्य के रूप में देखा जाए, और एक परोपकार का और सबसे बड़े दानों में दान अगर हम कहें तो रक्तदान महादान है, हम सभी लोगों को करना चाहिए। और आज हम लोगों ने महादान किया, इसके हम लोग को सभी को खुशी है।